एक कस्बे में रवि अपने बेटे सोनू और बेटी सोनिया के साथ रहता है। उसकी बीवी का इंतकाल एक महीने पहले ही हुआ है। रवि शराबी किस्म का आदमी है और वह कोई काम नहीं करता। इसी की वजह से रवीश की बीवी का इंतकाल हुआ है, क्योंकि रवीश उसे रोज मारता था और शराब के लिए पैसे मांगता था। रानी रवीश की दूसरी बीवी थी। रवीश के बच्चे सुबह सो रहे हैं, तभी रवीश वहां आता है। अरे नालायकों, उठ जाओ और पैसे कमा कर ले आओ। अबू, हम कहां से लाएं? ओए, ज्यादा सयाना मत बनो। मैं तेरा असली बाप नहीं हूँ, सौतेला बाप हूँ सौतेला। तेरी माँ से दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि वो मुझे कमा कर खिला सके। तुम दोनों के माँ बाप तो मर गए और तुम्हें मेरे ऊपर छोड़ गए। मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए खाना? पापा, आप क्या कर रहे हो? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब्बू, मुझे स्कूल जाना है। ओए, दोनों भाई बहन जाओ और जाकर पैसे कमा कर लाओ, और शाम को पैसे लेकर ही घर लौटना, वरना इस घर से बाहर निकाल दूंगा। अब्बू, हम दोनों पैसे कमा लेंगे, लेकिन हमें घर से बाहर मत निकालिए। अरे ना 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 सोनिया, तू तो मेरी दौलत की चाबी है। तू तो मुझे रुपया देकर जाएगी, लेकिन शाम को मुझे मेरे पैसे जरूर चाहिए, नहीं तो सोच लेना। रवीश बच्चों को धमकी देकर वापस शराब पीकर सो जाता है। सोनू और सोनिया दोनों काम की तलाश में घूमते रहते हैं, लेकिन उन दोनों को काम नहीं मिलता। अब तक तो उनकी माँ कमा रही थी, तो इसलिए उन्हें बाहर की ज्यादा मालूमात नहीं है। भाईजान, लगता है आज हमें कोई काम नहीं मिलेगा। हाँ सोनिया, काम की तलाश में सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अब तक एक पैसे का भी काम हासिल नहीं हुआ। भाईजान, अब घर चलते हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी है। सोनिया, घर पर अम्मी नहीं है जो हमारे लिए खाना बनाएंगी। अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, अब्बू तो है ना? तुमने सुबह सुना नहीं उन्होंने क्या कहा था? देख, बहुत मार पड़ेगी अगर बिना पैसे लिए घर गए तो। अरे भाईजान, अब्बू की बात को इतनी संजीदगी से क्यों ले रहे हो? वो शराब के नशे में मजाक कर रहे थे। चलिए, जरूर अब्बू ने हमारे लिए खाना बनाया होगा और हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तू तो जानती है ना कि अब तक अब्बू ने हमसे क्यों कुछ नहीं कहा था? क्योंकि अम्मी ने अब तक का राशन और शराब का इंतजाम पहले से ही कर दिया था। भाईजान, इतना मत सोचिए, चलिए घर चलते हैं, गर्मा गर्म खाना खाएंगे। गर्मा गर्म खाना नहीं, गर्मा गर्म थप्पड़ मिलेंगे। भाईजान, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, चलिए जल्दी से घर चलिए। सोनू और सोनिया घर पहुंचते हैं। रवीश बच्चों को देखकर दौड़कर आता है और खुशी से उन्हें चूमने लगता है। वाह, तुम दोनों भी मेरे लिए बेकार नहीं हो, पैसा कमा कर लाए हो ना, अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरी जिंदगी ऐश से कटेगी। ला सोनू, अब तो मुझे अपनी पहली कमाई का दीदार करा दे, समझ गया? ला सोनिया, तू भी दे दे। सोनू और सोनिया सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अबू, हमें पैसे नहीं मिले। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं कि जाओ और जाकर झाड़ लो? उसके लिए काम करना पड़ता है, काम। लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि तुम जिस सांप के सपोले हो, तुम इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगे। तुम्हारी अम्मी की तरह तुम्हें भी बेल्ट और डंडों से मारना पड़ेगा। रवीश डंडा लाकर दोनों को खूब मारता है। दोनों बच्चे रोते हुए रात को भूखे ही सो जाते हैं। उन्हें अपनी अम्मी की बहुत याद आती है। अगली सुबह दोनों भाई बहन एक चाय की दुकान पर काम करने लगते हैं और पैसे लाकर अपने सौतेले बाप को देते हैं। ऐसा करते हुए काफी वक्त गुजर जाता है और सर्दी आ जाती है। एक दिन सोनिया का बाहर से कुछ खाने का दिल चाहा, तो सोनू ने उसे बाहर के मोमोज लाके दे दिए और दोनों घर आ गए। लाओ, आज के पैसे दे दो। अब्बू, आज पैसे नहीं है। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अब्बू, आज हमारा कुछ खाने का दिल चाहा तो हमने खा लिया। रवीश को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो सोनू और सोनिया की खूब पिटाई करता है और कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकाल देता है और खुद दरवाजा बंद करके शराब पीकर सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और रवीश सोनिया को बेचने का इरादा कर लेता है। उसके बाद वो शहर से एक सेठ को घर में बुलाता है और 1,00,000 रुपए में उसका सौदा कर देता है। रवीश,
तुम अपनी बेटी को बेचना क्यों चाहते हो? मुझे शराब के वास्ते और कुछ पैसे बुढ़ापे के वास्ते चाहिए, और मेरा बेटा तो मेरे लिए कमा ही रहा है। बहुत खूब कही तुमने, मुझे अब सब समझ में आ गया। अच्छा ये बताओ रवीश कि तुम्हारा बेटा महीने के कितने रुपए कमाता है? ये दोनों मिलकर महीने के 1500 रुपए कमा लेते हैं। तो ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ, तुम इन दोनों को मुझे दे दो। अरे वाह, मेरा तो नसीब ही खुल गया। सेठ रवीश को 5 लाख रुपए देता है और सोनू और सोनिया को ले जाने लगता है। दोनों आँखों में आंसू लेकर चल देते हैं। बच्चों डरो मत, मैं एक बहुत बड़ा कारोबारी हूँ और मेरे पास बेइंतहा दौलत है। मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन मेरे पास बच्चे नहीं हैं। आज से तुम दोनों मेरे बच्चे हो। सोनू और सोनिया ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। सेठ उन्हें अपने घर ले जाता है और अच्छे स्कूल में पढ़ाता है। फिर सोनू और सोनिया अरबों के मालिक बन जाते हैं। सेठ उन्हें बहुत प्यार करता है। एक शहर में चीकू अपने चाचा चाची के साथ रहता है। चीकू एक 6 साल का छोटा लड़का है जिसके वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो गया है। चीकू के वालिद कारोबारी थे और वो निहायत दौलतमंद थे। चीकू के पास भी बहुत सारी जायदाद है, इसीलिए ही उसके चाचा चाची उसके साथ रहते हैं, और उनकी खुद की एक छोटी बेटी चिंकी भी है। हर रोज की तरह चीकू आज भी स्कूल जा रहा है। चाची जान, आप मुझे स्कूल में साफ कपड़े पहना कर भेजा करो ना। अच्छा अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि कपड़े कैसे पहनाते हैं। तू जानता भी है कि कपड़े साफ है या मैले? चाची जान, स्कूल में मैडम रोज बोलती है कि साफ कपड़े पहन कर आया कर। अगर आज मैं साफ कपड़े पहन कर नहीं गया तो टीचर स्कूल में दाखिल नहीं होने देंगी। कह देना कि मैं रास्ते में खेलते हुए आता हूँ। पहले मैं शहजादा बनकर स्कूल जाता था। हाँ हाँ, क्योंकि अंबानी की औलाद है ना तू। चाची जान, लंच दे दो। रात का खाना रखा है, उठा कर ले जा। मैं तेरी वालिदैन की नौकरानी नहीं हूँ जो हमेशा तेरे लिए चाकरी करती रहूँगी। चीकू गंदे कपड़े पहनकर और रात का खाना लेकर ही स्कूल के लिए पैदल निकल जाता है। स्कूल घर से कुछ फासले पर है। चीकू रोते हुए आगे बढ़ता है। अब मैं स्कूल जाऊंगा तो मैडम मुझे मारेंगी। मेरे कपड़े बेहद मैले हैं और खाना भी बासी है। मैं रास्ते में ही बैठ जाता हूँ। मासूम चीकू की ये बात सड़क के किनारे घर बनाकर रहने वाली एक राजकुमारी के कानों में चली जाती है। राजकुमारी सिर्फ नाम की राजकुमारी है, वैसे वो बेहद गरीब है। अरे बच्चे यहाँ आओ, तुम इतने मायूस क्यों हो? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चीकू है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये रात का खाना है। मेरी मैडम ये देखकर बहुत मारेंगी। अच्छा लाओ, अपना लंच बॉक्स दे दो, मैं इसमें ताजा खाना डाल देती हूँ। राजकुमारी चीकू को खाना दे देती है। और बताओ, तुम्हारी अम्मी आज बीमार है क्या? मेरी कोई अम्मी नहीं है। अरे तुम ऐसे मन छोटा क्यों करते हो? मैं हूँ ना तुम्हारी अम्मी। नहीं, मैं किसी को भी अब अपनी अम्मी नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरी चाची भी शुरू में मेरी अम्मी बनी थी और अब मुझे तनिक भी प्यार नहीं करती। खाना भी गंदा देती है और चिंकी को बेइंतहा प्यार करती है। अच्छा ठीक है, अम्मी मत बनाओ, लेकिन सौतेली अम्मी बना लो, और रोज स्कूल जाते वक्त रोजाना मुझसे खाना ले जाया करो। चीकू खुश हो जाता है और आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में तभी चीकू का ख्याल आता है कि उसकी ड्रेस मैली है और टीचर तो उसे अभी भी मारेगी। हे भगवान, खाना तो सौतेली माँ से मिल गया, लेकिन मैं उनको कपड़े का बताना भूल ही गया। टीचर तो मुझे अभी भी मारेंगी। चीकू फिर से रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सड़क पर ही रहने वाली रजनी के कानों में जाती है। रजनी राजकुमारी की बड़ी बहन है। रजनी अपने घर से बाहर आती है और चीकू उसे सारी बात बताता है। घबरा मत चीकू, तुम भी मेरे बच्चे जैसे हो। मुझे ऐसे मत बोलो, क्योंकि मेरी चाची भी शुरू में यही बोलती थी, लेकिन अब मुझे मारती है। अच्छा बाबा, मैं भी राजकुमारी की तरह तुम्हारी सौतेली अम्मी बन जाती हूँ,
फिर तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं, फिर ठीक है। अच्छा रुको, मैं 10 मिनट में तुम्हारे कपड़े साफ कर देती हूँ और तुम्हारे लिए एक जोड़ी कपड़े और ले आऊंगी, और तुम रोजाना आकर साफ कपड़े पहन लिया करना, फिर तुमको मैडम कभी नहीं मारेंगी। चीकू खुशी खुशी खेलता हुआ आगे चलता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि उसके जूते भी पॉलिश नहीं हुए हैं। मेरे जूते भी पॉलिश नहीं हुए, मैंने तो इस बारे में अम्मी को बताया ही नहीं। अब क्या करूं मैं? कैसे स्कूल जाऊं? मैं स्कूल के लिए लेट भी हो रहा हूं। किस्मत से इस बार भी चीकू का दर्द राजकुमारी की छोटी बहन रेनू के कान में चला जाता है। ये तीनों बहन पैसे से ही गरीब हैं, लेकिन दिल की बहुत अमीर हैं। चीकू की बात सुनकर रेनू ने भी अपने दिल के दरवाजे के साथ साथ घर के दरवाजे उस मासूम अनाथ के लिए खोल दिए, जिसे अब दो अम्मी पहले ही मिल चुकी थी। चीकू रेनू को अब तक की सारी घटना बताता है। मेरे शौहर जूते पॉलिश का ही काम करते हैं, और तुम रोजाना आकर अपने जूते पॉलिश करवाया करो। ऊपर वाले ने इंसान को इंसान की मदद के लिए ही बनाया है। मैं आपके पास नहीं आऊंगा। क्या हुआ, क्यों? ये बात मेरी चाची ने भी बोली थी, और अब मुझे रोजाना ताने देती है। अच्छा बाबा, मैं अब तेरी तीसरी सौतेली अम्मी हूँ, अब खुश? चीकू बहुत खुश हो जाता है और स्कूल चला जाता है। अब चीकू खुश रहने लगा और रोजाना स्कूल जाने लगा। चीकू की ये खुशी चाची से कतई बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और उसने एक रोज चीकू को बुलाया। क्यों रे चीकू, आजकल तेरे गाल बहुत फूले फूले रहते हैं, मैंने तो तुझे कपड़े धोते हुए कभी नहीं देखा। तू इतना खुश क्यों है आजकल, और तू अब कोई शिकायत भी नहीं करता? चीकू मासूम होता है, वो अपनी चाची जान को सब बता देता है। मेरी 300 माँ है, और वो मुझे बेइंतहा प्यार करती है। हे भगवान, इस बुढ़े को जरूरी क्या था इतने सारे निकाह करने की? अब ना जाने किस किस को जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा। इससे अच्छा तो चीकू का ही घर से बाहर निकलना बंद करा देती हूँ। चाची चीकू को मारती है और उसका बाहर निकलना बंद कर देती है। और जब चीकू 2 रोज तक अपनी सौतेली अम्मी के पास नहीं पहुंचता, तो तीनों मिलकर उसे खोजना शुरू कर देती है, और चीकू के घर पुलिस लेकर पहुंच जाती है। मेरी तीनों सौतेली अम्मी, आप सब आ गई, मुझे इनसे बचा लो, चाची जान बहुत मारती है, ये बहुत बुरी है। बेटा, तुम्हारी तीनों अम्मियों ने हमें सब कुछ बता दिया है, सारी जायदाद पर सिर्फ तुम्हारा हक है। अगर तुम अपनी देखभाल के लिए इन सौतेली अम्मियों को अपने साथ रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बाकी नकली लालची चाचा और चाची को गिरफ्तार करके मैं हवालात ले जा रहा हूँ। पुलिस चीकू के चाचा चाची को लेकर जाती है, और चीकू के पास उसकी तीनों सौतेली अम्मी छोड़कर जाती है। चीकू अब खुशी खुशी रहता है, और अच्छे कपड़े पहनता है, और खूब अच्छा अच्छा खाना खाता है।